बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। कांग्रेस के पूर्व सांसद व कद्दावर नेता तारिक अनवर सीमांचल के दोनों ही सीट पूर्णिया व कटिहार के कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। तारिक अनवर पूर्णिया पहुंचे और पूर्णिया से उम्मीदवार तौशीफ आलम व कटिहार से उम्मीदवार सुनील यादव के लिए तैयारियों पर चर्चा की। तारिक अनवर ने बताया कि इस बार का विधान पार्षद चुनाव बेहद अलग है। पिछले बार कांग्रेस, राजद व जदयू साथ में लड़ी थी, लेकिन इस बार जदयू पहले ही अलग है और अब राजद ने अकेले लड़ने का फैसला लिया है। अचानक लिए गए इस फैसले के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी, लेकिन राजद के इस निर्णय के बाद कांग्रेस भी अलग से चुनाव लड़ रही है। पार्टी के सभी लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। आप देख रहे हैं SGN न्यूज़, आपके साथ। चुनाव को लेकर सीमांचल के दो सीटों पर चुनाव होना है, कटिहार और पूर्णिया क्षेत्र में। ऐसे में कांग्रेस की तैयारी कितनी है और किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इसकी पृष्ठभूमि क्या है इसको आप लोगों को पहला हम चाहते हैं, क्योंकि जो पिछली बार विधान परिषद का चुनाव हुआ था तो हम लोग एक गठबंधन में चुनाव लड़े थे। उस गठबंधन में जदयू भी था और RJD भी था और कांग्रेस थी, तीनों मिलकर हम लोग चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार जदयू तो पहले ही चली गई थी, लेकिन RJD से हम लोग को उम्मीद थी कि हम लोगों का गठबंधन बना रहेगा, लेकिन RJD ने एक तरफा फैसला ले लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, जाहिर है हम लोग मुख्य दर्शक बन के नहीं रह सकते थे। हम लोगों ने फैसला लिया, पार्टी ने फैसला लिया कि हम जहाँ हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। तो सीमांचल में कटिहार से हमारे ये सुनील यादव जी है उम्मीदवार हैं और यहाँ से तौसीफ साहब हैं। तो हम लोग की कोशिश है कि हम करीब उनको लगता है 14-15 जगह हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 24 विधान परिषद की सीट है, तो उसमें 14-15 जगह पर हमारे उम्मीदवार रहेंगे और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ हम जीत सकते हैं वहाँ जीतने की कोशिश करेंगे। और बाकी हम लोग का जो गठबंधन था, वो जाहिर है गठबंधन हम लोगों ने बहुत पहले से किया हुआ था RJD के साथ, तो यकाएक उनका ये फैसला और इसके लिए हम लोग भी तैयार नहीं थे पूरी तरह, लेकिन अब लगता है कि हम लोगों को अलग से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। इस चुनावी नामांकन सभा में कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी तौसीफ आलम साहब नामांकन के बाद यहाँ मौजूद सैकड़ों की संख्या में जो हमारे जनप्रतिनिधिगण थे उनको संबोधित कर रहे थे। आज जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर जो सरकार और जिस पार्टी की सरकार है, बिहार से लेकर के केंद्र तक, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश की जनता और प्रदेश की जनता को महंगाई के नाम पे गुमराह किया, रोजगार के नाम पे गुमराह किया, उसको जवाब देने के लिए पूरे बिहार के साथ साथ पूर्णिया, किशनगंज और अररिया की जनता ने यह ठान लिया है कि इस बार हालात इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि विधानसभा के हमारे सभापति महोदय जी ने क्या कहा कि आज विधानसभा के सभापति की बात एक दरोगा नहीं सुन रहे हैं, तो सोचिए कि किस तरीके से अफसरशाही पूरे प्रदेश में हावी है। आज मंत्री कह रहे हैं कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। जिले के अंदर किसी भी जिले में कोई काम अगर प्रतिनिधि चाह रहा है, जब MLA, MP और मंत्री की बात अगर प्रशासन नहीं सुन रही है, तो सोचिए कि जो जनप्रतिनिधि पंचायत से चुन करके आते हैं उनका क्या हाल होगा। इसलिए इस बार जनता ने बदलाव ठान लिया है, जिसकी शुरुआत इस पूर्णिया, किशनगंज, अररिया क्षेत्र से होने जा रही है। निश्चित तौर पे आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी का है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत करके सदन में जाएंगे और यहाँ की आवाज़ को मजबूती से उठाएंगे।
बताएं, कटिहार निर्वाचन क्षेत्र से आपने आज नामांकन किया है, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं, किस तरह से तैयारियां चल रही है? देखिए, कटिहार कांग्रेस कमेटी के द्वारा पिछले साल भर से तैयारी चुनाव को लड़ना है। हमारे पटना और दिल्ली के आला कमान के द्वारा हमें कहा गया कि आप प्रत्येक पंचायत में अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। उसी क्रम में स्त्री पंचायत का जब रिजल्ट आया, उसी समय से तकरीबन 4 महीने से हम हर पंचायत में जीते हुए लोगों से अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, अपनी बात हम कर रहे थे। और जो उनकी मांग थी कि त्रिस्तरीय पंचायत के तो लोग जीत लेते थे, लेकिन कभी किसी ने त्रिस्तरीय पंचायत के लिए कोई आवाज़ नहीं बनी, कभी आवाज़ उठाने का सदन में जवाब नहीं समझा। हम ये त्रिस्तरीय पंचायत के जीते हुए तमाम लोगों को ये विश्वास दिलाने का काम किया कि मैं आप लोगों की आवाज़ बनेंगे, और ये आवाज़ पूरे बिहार में गूंजना है। और आपको जान करके खुशी होनी चाहिए कि पूरे बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों के लिए ये भत्ता बढ़े, ये आवाज़ कटिहार से उठा और सुनील यादव। अच्छा, जन अधिकार पार्टी का भी समर्थन आप लोगों को पुरजोर मिल रहा है, तो ऐसे में और भी मजबूत होगा संगठन यहाँ पर? अधिकार तो खुले मतलब समर्थन करने का काम किया, सबसे पहले मैं उसका शुक्रिया करता हूँ। और उनके जो संरक्षक हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय पप्पू यादव जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पूरे बिहार में जिस तरह से उन्होंने अपना समर्थन देने का काम किया, ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा भी कई दल जो है आज समर्थन दे रहे हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि जो गठबंधन बना था, कई पार्टी का बना था, कांग्रेस की राजद माले सिंचाई से लिया, किसी को विश्वास में ले लिया और उनको घोषणा कर दिया डायरेक्ट 10 सीट का, इसका बहुत लोगों का रिएक्शन, तो हम लोगों को बेनिफिट मिलता है। बताइए, आज नामांकन किया आपने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के तौर पर, यहाँ से कैसी रणनीति होगी और किस तरह से आप चुनाव में आगे बढ़ेंगे? देखिए, आज तो नॉमिनेशन हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि हर वोटर्स तक पहुंचे, लेकिन समय हम लोग के पास बहुत कम है, 3 जिला है और 30 प्रखंड है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर प्रखंड में जाके अपना बात जनप्रतिनिधि को रख सकूं। अच्छा, आज आपके समर्थन में कांग्रेस के अलावा जन अधिकार पार्टी के भी लोग शामिल हुए, कितनी मजबूती मिलेगी गठबंधन? बहुत मजबूती मिलेगा अगर हमको जन अधिकार पार्टी जिस तरह से आज सपोर्ट हम उनका देखे, अगर साथ में रहा तो निश्चित जीत कांग्रेस पार्टी का होगा। किस एजेंडे को लेकर आप लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं? एजेंडा एक ही है, जन प्रतिनिधि का सम्मान नहीं हो रहा है, इस सरकार में जन प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, मुखिया का हत्या हो रहा है, जिला परिषद का हत्या हो रहा है, और वार्ड सदस्य को कोई भी प्रखंड में जाने से पदाधिकारी कोई भी इज्जत नहीं देता है, ब्लॉक में कुर्सी तो क्या, ठीक से बात करने वाला कोई पदाधिकारी नहीं है। मैं पदाधिकारी को लगाम पाने के लिए चाहता हूं, अगर जनप्रतिनिधि हमको मौका दिया तो बदतमीज पदाधिकारी को लगाम पाऊंगा। बताइए, इस बार MLC चुनाव में युवाओं की क्या भागीदारी होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे MLC चुनाव के लिए हमारे आला कमान जो है तौसीफ आलम जी को यहाँ से टिकट मिला है, और हम युवाओं से सब मिल के पूरे पूर्णिया जिला में ब्लॉक स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक हम लोग अपने युवाओं को जोड़ रहे हैं और हर सदस्य से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग उससे आग्रह कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार को बनाएं और बिहार सदन में भेजने की कृपा करें।